अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 की इंग्लिश यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नेम है द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। प्राइड का मतलब क्या होता है? प्राइड का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर फख्र करना, यानी कि नाज करना। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फख्र और नाज। इसी के साथ जो है हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में गेटिंग स्टार्टेड, लुक एट द पिक्चर्स, इन तस्वीर की तरफ देखें, एंड इमेजिन और तस्वर करें द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब होता है जहां लोग मिलकर रहते हैं। एंड इमेजिन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कम्युनिटी, और उन चीज़ों को तस्वर करें या उन मसाइल को तस्वर करें जो कि लोगों को आते हैं। इन द फर्स्ट पिक्चर, पहली तस्वीर में, यानी कि इस पिक्चर की बात हो रही है, सम चिल्ड्रन आर वर्किंग टूगेदर, कुछ बच्चे आपस में खेल रहे हैं। वर्किंग टूगेदर यानी कि मिलजुल कर खेल रहे हैं। टू कीप देयर नेबरहुड क्लीन, नेबर का लफ्जी मतलब होता है हमसाए, लेकिन यहाँ पे है नेबरहुड यानी कि इर्द गिर्द। टू कीप देयर नेबरहुड क्लीन, और अपने इर्द गिर्द के जगह को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग देम सेल्फ, हेल्पिंग का मतलब होता है मदद करना। दे आर हेल्पिंग देम सेल्फ, वो अपने आप की मदद कर रहे हैं। एंड अदर्स, और दूसरों की। टू लिव, रहने के लिए, इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट यानी कि सेहतमंद माहौल। कंसीडर द सेकंड पिक्चर टू, और दूसरी पिक्चर को भी देखें। अब हम इस पिक्चर की बात कर रहे हैं। व्हेन देयर वाज अ पेंडेमिक, पेंडेमिक किस, पेंडेमिक क्या है? पेंडेमिक का लफ्जी मतलब होता है वबा। जिस तरह इस फोटो में भी हम लोग देख सकते हैं, इस पिक्चर में COVID-19, यहाँ पे कोविड की वबा की बात हो रही है। पीपल केम आउट टू हेल्प ईच अदर, लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आए। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में, यानी कि फर्स्ट पिक्चर में एंड सेकंड पिक्चर में, दे आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर, वो ना कि सिर्फ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बट आल्सो शोइंग, शोइंग का मतलब होता है जाहिर करना या दिखाना, लव, मोहब्बत फॉर देयर कंट्री, अपने वतन के लिए भी। दे आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर, वो सिर्फ एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, बट आल्सो शोइंग लव फॉर देयर कंट्री, लेकिन वो अपने वतन के लिए मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। उससे नेक्स्ट है हमारे पास, लेट्स टॉक, आए बातें करते हैं। इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हम इसे रीड कर लेते हैं। Aren't these people our national heroes? उन्होंने कहा है कि ये लोग जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्या ये हमारे कौमी हीरो नहीं है? Of course, yes, they are. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, डू दिस पीपल नीड टू बी इंकरेज एंड ऑनर्ड? बच्चों यहाँ पे जो एच है हमारे पास प्रोनाउंस नहीं होगा, हम इसे पढ़ेंगे ऑनर्ड। अब इंकरेज का मतलब क्या होता है? इंकरेज का लफ्जी मतलब होता है हौसला अफजाई करना, एंड ऑनर एहतराम करना। उन्होंने कहा है जो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, क्या हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए? क्या हमें उनका एहतराम करना चाहिए? ऑफकोर्स हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे नेशनल हीरोज हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी शो लव फॉर द कंट्री? हम अपने वतन के लिए मोहब्बत का इजहार किस तरह से कर सकते हैं? अब इसके बच्चों हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके हैं जिससे हम अपने वतन की खिदमत कर सकते हैं, हम गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, हम लोग जो है हर कौमी डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम लोग सबको बता सकते हैं, अपनी एक्शंस को ऐसे कर सकते हैं जिससे पता चले कि हम लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। हम लोग सेमिनार्स कंडक्ट करवा सकते हैं, पुअर की हेल्प कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम लोग शो कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास है प्री रीडिंग, इसमें हम देख लेते हैं। उन्होंने लिखा है, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन, गेस 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट। उन्होंने कहा है कि आपने पिक्चर देखी है, अब उससे रिलेटेड हमें 5 वर्ड्स बताने हैं। तो हम लिख सकते हैं आर्मी, म्यूजियम्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री व्हीकल्स एंड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। तो ये आप इनमें से 5 वर्ड्स जो हैं वो लिख सकते हैं। उसके आगे हमारी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। अब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। फाइनली द डे केम, फाइनली का मतलब होता है आखिरकार वो दिन आ ही गया। द डे केम, दिन आ गया। व्हेन वी टुक द स्कूल बस, जब हमने स्कूल बस ली। टू गो, जाने के लिए। फॉर आवर हिस्टोरिकल ट्रिप, हिस्टोरिकल का मतलब होता है हिस्ट्री से निकला है, ये वर्ड हिस्टोरिकल वर्ड हिस्ट्री से निकला है। हिस्ट्री का मतलब होता है तारीख। हिस्टोरिकल ट्रिप, तारीखी सैर। टू पाकिस्तान आर्मी म्यूजियम लाहौर, पाकिस्तान आर्मी म्यूजियम लाहौर में। फाइनली द डे केम व्हेन वी टुक द स्कूल बस, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हमने स्कूल की बस ली। टू गो फॉर आवर हिस्टोरिकल ट्रिप, अपने तारीखी सफर पर जाने के लिए। और वो ट्रिप उनका कहाँ गया था? पाकिस्तान आर्मी म्यूजियम लाहौर। माई क्लोज फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है कंपेनियन, क्लोज फ्रेंड करीबी दोस्त, एंड क्लासमेट
जो कि उसका क्लासमेट भी था। क्लासमेट का मतलब क्या होता है? क्लासमेट का मतलब होता है हम जमात जिनके साथ हम पढ़ते हैं। उसका नाम है ताशिफ। ब्रॉट हिज डायरी अलॉन्ग विद हिम, वो अपने साथ अपनी डायरी भी ले आया। इट वॉज इज हॉबी, वो उसकी हॉबी थी। हॉबी का मतलब होता है मशगला, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो हम अपने फारिग वक्त में करना पसंद करते हैं, उसे हम कहते हैं हॉबी। अब ताशिफ की हॉबी क्या थी? टू कलेक्ट पिक्चर्स, तस्वीर को जमा करना, एंड इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन लेना। इंफॉर्मेशन बेटा हम लोग कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें पता ना हो और हम उसके बारे में जानना चाहें, यानी कि मालूमात। अबाउट पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के अबाउट। एज हिज अंकल, चूंकि उसके अंकल वॉज एन आर्मी ऑफिसर, क्योंकि उसके चचा जान एक फौजी अफसर थे। इट वॉज हिज हॉबी टू कलेक्ट पिक्चर, क्योंकि जो है पिक्चर जमा करना और मालूमात जमा करना ताशिफ की हॉबी थी। अबाउट पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के अबाउट। एज हिज अंकल वॉज एन आर्मी ऑफिसर, क्योंकि उसके चचा जान एक फौजी अफसर थे। उससे नेक्स्ट है आई टू, मैं भी। एगर्ली, एगर्ली का मतलब क्या होता है? एगर्ली का मतलब होता है बेताबी से। वांटी टू नो, जानना चाहता था मोर और ज्यादा। अबाउट दोज ग्रेट हीरोज, उन अजीम हीरोज का मतलब क्या होता है बच्चों? हीरोज का मतलब होता है कोई भी ऐसे लोग जो कि कोई अजीम काम करें, उन्हें हम कहते हैं ग्रेट हीरोज, अजीम हीरो। हु सेक्रीफाइस, जिन्होंने कुर्बान की देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियों को फॉर द कंट्री, वतन के लिए। मैं भी उन लोगों के बारे में बेताबी से जानना चाहता था जिन्होंने अपनी जिंदगियों को मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। ताशिफ अंकल, ताशिफ के अंकल ने हैड टोल हमें बताया, अस हैज हैड टोल्ड अस हमें बताया, डिफरेंट स्टोरीज, बहुत ज़्यादा कहानियाँ। अबाउट पाकिस्तानी सोल्जर्स, पाकिस्तानी सोल्जर, सोल्जर्स कहते हैं सिपाहियों को। एंड द आर्मी म्यूजियम, और आर्मी म्यूजियम के बारे में। ताशिफ अंकल हैड टोल्ड अस डिफरेंट स्टोरीज अबाउट पाकिस्तान सोल्जर्स एंड द आर्मी म्यूजियम। ताशिफ के चचा हमें पाकिस्तानी फौजियों और आर्मी म्यूजियम के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ बता चुके थे। सिंस डैट डे, उस दिन, चूंकि उस दिन, बोथ ऑफ अस, हम दोनों, हैड बिन वेटिंग, इंतज़ार कर रहे थे। इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली का मतलब क्या होता है? बेसब्री से, यानी कि सब्र ना करना, जल्दी का इजहार करना। टू मीट, मिलने के लिए, दोज 11 हीरोज, उन 11 हीरोज को, फ्रॉम द आर्म्ड फोर्स, मसला अफवाज से, हु, जिन्होंने लेट डाउन कुर्बानी दी दे लाइफ, अपनी जिंदगियों की। टू गार्ड, गार्ड का मतलब क्या होता है? गार्ड का मतलब होता है हिफाजत करना। दी सेक्रेट, सेक्रेट हम लोग कहते हैं मुकद्दस लैंड, सरजमीन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन। उस दिन से हम दोनों मसला अफवाज के उन 11 हीरोज को मिलने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत करने में अपनी जानें कुर्बान कर दी। द रेस्ट ऑफ आवर क्लास, रेस्ट का मतलब होता है जो बच गए हैं, यानी कि बाकी ऑफ आवर क्लासमेट, हमारे हम जमात, वर आल्सो वेरी एक्साइटेड, वो भी बहुत ज्यादा पुरजोश थे। हमारे बाकी हम जमात, वो भी बहुत ज्यादा पुरजोश थे। वी अराइव, हम पहुंचे एट द म्यूजियम, म्यूजियम गेट पर, यानी कि म्यूजियम में। वी अराइव एट द म्यूजियम, हम म्यूजियम पहुंचे एट अराउंड 10 AM, 10 बजे, हम तकरीबन 10 बजे म्यूजियम पहुंच गए। When I entered, जब मैं दाखिल हुआ, the museum gate, म्यूजियम के गेट में, I was amazed, मैं हैरान रह गया। When I entered the museum gate, I was amazed, जब मैं म्यूजियम के गेट से दाखिल हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। To see, देख कर, many army craft, army craft का मतलब बच्चों आर्मी के जहाज को हम आर्मी क्राफ्ट कहते हैं। In front of me, अपने सामने, मैं अपने सामने आर्मी का जहाज देख कर हैरान रह गया। Everything seemed real. Seem का मतलब होता है नजर आना, यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है, हर चीज असल दिखाई दे रही थी। There were many big galleries, वहाँ पे बहुत बड़ी galleries थी। Huge slab, huge का लफ्ज़ी मतलब बच्चों होता है बड़ा, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे अजीम। Slabs कहते हैं पत्थर की जो स्लैबें होती हैं, उन्हें कहते हैं slabs, पत्थर की स्लैबें। And walls, और दीवारें। There were many big galleries, huge slabs and walls, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गैलरीज, अजीम पत्थर की स्लैबें और दीवारें थीं। दीज गैलरीज एंड स्लैब हैड डिफरेंट नेम, इन गैलरीज के और इन स्लैब्स के मुख्तलिफ नाम थे। अब उन्होंने आगे जो है कॉलन के आगे हमारे पास डिफरेंट नेम्स दिए हैं जो कि गैलरीज और स्लैब्स के थे। फर्स्ट वन है हमारे पास रीबर्थ ऑफ अ नेशन, यानी कि एक कौम के हयात नो, द कायद,
कायद एंड द आर्म फोर्स, आर्म फोर्स का मतलब मसलाए अफवाद। शोहदा कॉर्नर, कॉर्नर बच्चों कहते हैं कोई भी एक साइड, जिस तरह दीवार का कॉर्नर होता है वैसे ही। शोहदा कॉर्नर, गोशा शोहदा, निशानी हैदर गैलरी, निशानी हैदर गैलरी, लाइफ एट सियाचन, सियाचन पर जिंदगी, कश्मीर कॉर्नर और कश्मीर गोशा कश्मीर। एटसेट्रा का मतलब होता है वगैरह, यानी कि ये हम तब ईटीसी तब यूज करते हैं जब हम लोगों ने ऊपर डिफरेंट एग्जांपल्स दे दी हो और फिर हम आगे उसको और फर्दर ना करें तो हम उसको ब्रीफ करने के लिए लिख देते हैं ईटीसी। ऑन गेटिंग इनसाइड, अंदर जाते ही द म्यूजियम बिल्डिंग, म्यूजियम की बिल्डिंग में, बिल्डिंग बेटा हम लोग कहते हैं किसी भी मकान को जिसके डिफरेंट फ्लोर्स हो उसे हम कहते हैं इमारत यानी कि बिल्डिंग। आई फर्स्ट सॉ फोर, मैंने देखी चार, कैप्चर्ड, कैप्चर्ड का मतलब होता है कब्जा करना, यानी कि जंग में किसी चीज पर जैसे कब्जा कर लेते हैं उसे हम कहते हैं कैप्चर्ड। इंडियन टैंक, इंडियन के टैंक, टैंक हम सिंपल बेटा हिंदुस्तानी टैंक, इंडियन टैंक। म्यूजियम की इमारत के अंदर दाखिल होने पर मैंने सबसे पहले कब्जे में लिए गए चार हिंदुस्तानी टैंक देखे। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इनकाउंटर्स इन विच दीज इंडियन टैंक्स वर कैप्चर्ड वाज डिस्प्लेड नियर देम। इन लड़ाइयों की मुख्तसर तारीख जिनमें ये हिंदुस्तानी टैंक कब्जे में लिए गए थे उनके करीब ही दिखाई गई थी। ईच एंड एवरी स्टोरी, हर एक कहानी टोल्ड अस हमें बता रही थी अबाउट दी ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी का मतलब जुर्रतमंद। ऑफ आर सोल्जर, हमारे सिपाहियों की, हु फोर, जिन्होंने लड़ाई की, फॉर देयर कंट्री, अपने मुल्क के लिए। हर एक कहानी ने हमें अपने फौजियों की बहादुरी के बारे में बताया जो मुल्क की खातिर लड़े थे। एज मेंशन्ड अबव, जैसे कि पहले बताया गया है, वन ऑफ द गैलरीज, एक गैलरी वाज नेम्ड रीबर्थ ऑफ द नेशन। एज मेंशन्ड बिफोर, जैसे कि पहले बताया गया है, एक गैलरी का नाम कौम की हयाते नौ था। आई वॉज सरप्राइज, बहुत ज्यादा हैरान रह गया टू सी, देख कर लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स। लाइफ साइज का मतलब होता है यानी कि बहुत बड़े, कदे आदम। पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर, यानी कि किसी भी चीज़ का नमूना बनाना या उसको पेंट करना उसे हम कहते हैं पोर्ट्रेट। ऑफ द कायदे आजम, मैं कायदे आजम का पोर्ट्रेट देख कर बहुत ज्यादा हैरान रह गया। एड्रेसिंग, जब वो खिताब कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूट असम्बली यानी कि कानून साज असम्बली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की, ऑन अगस्त 1947। मैं कायदे आजम की कदे आदम वाला तस्वीर को देखकर हैरान रह गया जो कि उनकी 11 अगस्त 1947 के कानूनी असम्बली से खिताब से मुतल्लिक थी। दिस गैलरी, ये गैलरी वॉज टेलिंग हमें बता रही थी या स्टोरी, एक कहानी ऑफ द स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है जदोजहद करना यानी कि किसी चीज पर बहुत ज्यादा काम करना। फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, थ्रू बजरिया यानी कि जरिए, पेंटिंग्स, पेंटिंग का मतलब होता है बच्चों कोई भी ऐसी ड्राइंग बनाना जो कि हम पेंट से बनाते हैं यानी कि नमूना बनाना। फोटोग्राफ, तस्वीर से, एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन और मुख्तसर मालूमात से। दिस गैलरी वॉज टेलिंग अ स्टोरी ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये जो गैलरी है ये हमें मुख्तलिफ स्ट्रगल यानी कि जदोजहद के मुतालिक, आज़ादी की जदोजहद के मुतालिक बता रही थी। किन के जरिए? तस्वीर के जरिए, पेंटिंग्स के जरिए और डिफरेंट मालूमात के जरिए। आई सा अ फ्यू मोर सेक्शन, मुझे फ्यू मोर का मतलब होता है और ज्यादा, फ्यू मोर ज्यादा। आई सा अ फ्यू मोर सेक्शन, मुझे और भी हिस्से नजर आए देयर वहां पर। एंड फाइनली वेंट टू दी निशान हैदर गैलरी, मुझे वहां पर और भी बहुत सारे सेक्शन नजर आए और फिर मैं इसके बाद निशान हैदर गैलरी में चला गया। हेयर, यहाँ पर आई केम टू नो, मुझे जानने को मिला अबाउट दी निशान हैदर, निशान हैदर के बारे में मुझे यहाँ जानने को मिला। एंड इट्स वैल्यू, और उसकी कीमत के बारे में पता चला। आर टीचर्स, हमारे उस्ताज़ा कराम ने टोल्ड अस, बताया दैट ये, दैट दिस, के ये है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, ये सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। कौन सा? निशान हैदर इज अवार्डेड, उन्हें दिया जाता है टू दो जो के सोल्जर, सिपाही एंड ऑफिसर, उन अफसरों को ऑफ द आर्म्ड फोर्स, आर्मी के मसले अफवाज को, हु सेक्रीफाइस, जो कि कुर्बान करते हैं देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियां, फॉर देयर कंट्री, अपने मुल्क के लिए, इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कहते हैं बच्चों गैर मामूली चीज़ों को, यानी कि जो हमारी लाइफ में कॉमन नहीं है उन्हें हम कहते हैं गैर मामूली चीज़ें। एक्ट ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी का। आवर टीचर टोल्ड अस दैट दिस हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इज अवार्डेड टू दो सोल्जर एंड ऑफिसर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ। हमारे साझा कराम ने हमें बताया कि ये जो मिलिट्री हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है ये उन सिपाहियों और अफसरों को दिया जाता है जो कि अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगियों को मुल्क के लिए कुर्बान कर देते हैं।
इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट ऑफ ब्रेवरी, यानी कि एक गैर मामूली बहादुरी के काम में। निशान हैदर मीन्स, निशान हैदर का मतलब है मार्क ऑफ द लाइन, शेर का निशान। निशान हैदर का मतलब है शेर का निशान। वाइल्ड रीडिंग में हमारे पास बच्चों कुछ लिखा गया है, हम इसे पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी सोल्जर्स हैव बीन अवॉर्डेड द निशान हैदर, निशान हैदर कितने सिपाहियों को दिया गया है। निशान हैदर इज अवॉर्डेड टू 11 सोल्जर्स, नेम मैनी टू ऑफ देम। तो हमें कहा गया है कि हम उनमें से दो लोगों के नाम बताएं, तो हम किसी दो के नाम लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज मेजर तुफैल मोहम्मद एंड सेकेंड वन इज मेजर अजीज भट्टी। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट नीचे दिए गए हैं पिक्चर में, इसको भी आप देख लें। इसी के साथ हमारा अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है। द पिक्चर ऑफ मार्टर्स मेड अस सो प्राउड, मार्टर्स कहते हैं बेटा शहदा को, यानी कि जो लोग शहीद हो चुके हैं। द पिक्चर्स ऑफ मार्टर्स मेड अस सो प्राउड, पिक्चर्स ऑफ मार्टर्स, मार्टर्स कहते हैं बेटा शहदा को, यानी कि जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान को कुर्बान किया। मेड अस सो प्राउड, हमें उनकी तस्वीर को देखकर बहुत ज्यादा फख्र हुआ। दोज वर आर हीरोज, वही हमारे असल हीरोज थे। ताशिफ टुक देयर पिक्चर, ताशिफ ने उनकी तस्वीर ली ही। आल्सो नोटेड, उसने आल्सो नोट किया। नोट कहते हैं बेटा किसी भी चीज़ को लिख लेना। देयर नेम्स, उनके नाम, एंड अदर डिटेल्स अबाउट देम, और भी बहुत ज़्यादा डिटेल उनके बारे में लिख ली। वो जो डायरी लेके गया था उसने उनके बारे में जो भी उसे वहाँ पर तफसीलात मिली उसको अपनी डायरी में नोट कर लिया। आई एक्सप्लोर्ड, एक्सप्लोर्ड का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर्ड का लफ्जी मतलब होता है दरियाफ्त करना। आई एक्सप्लोर द म्यूजियम, मैंने म्यूजियम को एक्सप्लोर किया। विद माई क्लासमेट्स, अपने हम जमात के साथ, फॉर मोर देन थ्री आवर्स, तीन घंटों तक मैंने उस म्यूजियम को अपने हम जमात के साथ एक्सप्लोर किया, दरियाफ्त किया। सून इट वॉज टाइम टू गो बैक, अब वक्त हो गया था हमारे जाने का। वाइल लिविंग द म्यूजियम, म्यूजियम को छोड़ते वक्त, आई फेल्ट, मैंने ये महसूस किया। आई हैड गेन्ड, तफसी मतलब जो इसका है वो होता है जमा करना। और ट्रेयर ट्रोव, ट्रेयर ट्रोव का मतलब होता है खुफिया खजाना ऑफ नॉलेज, नॉलेज कहते हैं इलम को। आई फेल्ट आई हैड गेन्ड अ ट्रेयर ट्रोव ऑफ नॉलेज, मुझे महसूस हुआ कि मैंने एक खुफिया खजाना इलम का हासिल कर लिया है। द आर्मी म्यूजियम वॉज वर्थ विजिटिंग, वर्थ कहते हैं काबिल को, विजिटिंग, विजिट का मतलब वैसे होता है मुलाकात करना, लेकिन यहाँ पे आएगा वर्थ विजिटिंग, सैर करने के काबिल। आर्मी म्यूजियम सैर करने के काबिल था। I will surely visit it, मैं ज़रूर यहाँ पे विजिट करूँगा। विजिट का मतलब होता है किसी जगह पर जाना या देखना। I will surely visit it, मैं यकीनन यहाँ पर जाऊँगा। It with my family, अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ। Some time again, फिर कभी, मैं यकीनन किसी वक्त अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर दोबारा जाऊँगा। अब यहाँ पे वाइल रीडिंग में हमारे पास एक क्वेश्चन है, हु इज अवॉर्डेड द निशान हैदर, निशान हैदर किन लोगों को दिया जाता है। तो बच्चे हमने ये भी ऊपर पढ़ा है कि उन लोगों को दिया जाता है जो कि अपनी लाइफ अपने नेशन के लिए कुर्बान कर देते हैं, उन्हें निशान हैदर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास पोस्ट रीडिंग में कुछ क्वेश्चन है, हम उन्हें देख लेते हैं। पोस्ट रीडिंग में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैव यू लर्न्ड अबाउट द निशान हैदर, राइट 4 to 5 लाइंस। निशान हैदर के बारे में आपने क्या पढ़ा है उसके बारे में 4 to 5 लाइंस लिखें। बेटा हमने इस पूरे पैराग्राफ में जो है निशान हैदर के बारे में पढ़ा है, तो आप इस पैराग्राफ में से कोई भी लाइन वहां पर लिख सकते हैं। ये पूरा पैराग्राफ निशान हैदर के बारे में है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें उन्होंने पूछा है, व्हाई आर सोल्जर्स आवर नेशनल हीरोज, जो सिपाही हैं वो हमारे कौमी हीरोज क्यों हैं। बच्चों हमें पता है कि हम लोग अपने घरों में रहते हैं, हम अपने घरों में किन की वजह से रह रहे हैं, अपने नेशनल हीरोज की वजह से, क्योंकि वो लोग बॉर्डर्स पे हमारी हिफाजत के लिए हैं। हम लोग आराम से सो जाते हैं क्योंकि हमें कोई किस्म की परेशानी नहीं है, वो टेररिस्ट से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए वो हमारे नेशनल हीरोज हैं। इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो है चैप्टर ट्रांसलेशन वो खत्म हो जाता है और आगे हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, डिफ्टिंग। डिफ्टिंग्स किसे कहते हैं, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डिफ्टिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवल, वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वोवल है। और डिफ्टिंग कहते हैं किसी भी दो वोवल के कॉम्बिनेशन को, यानी कि दो वोवल जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिफ्टिंग। साउंड इन अ सिंगल सिलेबल, सिलेबल कहते हैं बीट को, यानी कि एक वर्ड की बीट में जब दो वोवल आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिफ्टिंग। दिस साउंड चेंज फ्रॉम वन वोवल साउंड टू अनदर, जब इकट्ठे दो वोवल आएंगे तो एक साउंड का पहले प्रोनाउंस होगा फिर दूसरे का साउंड प्रोनाउंस होगा। एज इन दी वर्ड प्ले, फाउंड,
फोर एटसेट्रा, ये उन्होंने हमारे पास एग्जाम्पल दिया। यहाँ ए वाई, बच्चों वाई हमारे पास वोवल लेटर नहीं है लेकिन ये वोवल साउंड है, ओ यू फाउंड में एंड फोर में ओ यू। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है रीड द गिवन टेक्स्ट एंड नोटिस द यूज ऑफ डिफ्टिंग इन देम, इस पैराग्राफ को पढ़ें और डिफ्टिंग का यूज देखें। इट वॉज अ संडे, संडे ए वाई हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था कि ए वाई हमारे पास डिफ्टिंग है। इट वॉज अ संडे मॉर्निंग, ताशिफ रीच द स्पॉट्स, रीच में ई ए, ई भी बच्चों हमारे पास वोवल है एंड ए भी हमारे पास वोवल है और यहाँ पे ई ए दोनों मिलके हमारे पास डिफ्टिंग बना रहे हैं। ताशिफ रीच द स्पोर्ट्स ग्राउंड अर्ली इन द मॉर्निंग, अब ग्राउंड वर्ड में देखें ओ एंड यू, ओ भी हमारे पास वोवल है एंड यू भी वोवल है, ये दोनों मिलकर डिफ्टिंग बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज अर्ली, ई ए आर एल वाई, ई भी वोवल है ए भी वोवल है तो ये दोनों भी डिफ्टिंग बना रहे हैं। ऑल हिज स्कूल फ्रेंड्स वर देयर टू सपोर्ट हिम, ही वॉज अ बिट नर्वस, नर्वस की अब आप स्पेलिंग चेक करें एन ई आर वी ओ यू एस, O and U, both are vowel sound. O and U, ये दोनों मिलके डिफ्टिंग बना रहे हैं। Somehow he pulled his energy together. इसमें हमने देखा कि हमारे पास संडे में ए वाई, रीच में ई ए, ग्राउंड में ओ यू, अर्ली में ई आर एंड नर्वस में ओ यू, ये हमारे पास डिफ्टिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है मेक मोर वर्ड्स विद द गिवन डिफ्टिंग्स इन योर नोटबुक, उन्होंने हमारे हमें यहाँ नीचे कुछ लेटर का कॉम्बिनेशन दिया है और कहा है कि हमने इसे डिफ्टिंग बनाने हैं। सबसे फर्स्ट है ए वाई, अगर हम ए वाई को चेक करें तो ए वाई से हम कौन से डिफ्टिंग बना सकते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी। ए वाई से हम लोग बना सकते हैं ले एंड डे, ओ यू, ओ यू से हम बना सकते हैं ग्राउंड हाउस, ई ए से हम लोग बना सकते हैं नियर वीक, डब्ल्यू ई ए के वीक, ओ यू से हम लोग बना सकते हैं ओ डब्ल्यू से हम लोग बना सकते हैं काओ, ओ डब्ल्यू से नाओ। तो बच्चों ये एग्जाम्पल आपने अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग बच्चों कहते हैं किसी भी दो पर्सन के आपस में कन्वर्सेशन को, उसे हम कहते हैं डायलॉग। तो ये डायलॉग हमारे पास रिदा एंड नाजिया के दरमियान में है। रिदा, अस्सलाम वालेकुम नादिया, अस्सलाम वालेकुम नाजिया, हाउ आर यू, कैसी हैं आप। नाजिया, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताएं, यानी कि आप कैसी हैं। रिदा, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। नाजिया, आई एम रियली एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ। अबाउट डिफेंस डे, डिफेंस हम कहते हैं योम दिफा को। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट डिफेंस डे, मैं योम दिफा के बारे में, डिफेंस डे सेलिब्रेशन यानी कि योम दिफा की तकरीबा, सेलिब्रेशन कहते हैं बच्चों खुशी का इजहार करना, किसी भी चीज़ को मनाना उसे हम कहते हैं सेलिब्रेट करना। इन स्कूल, स्कूल में, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट डिफेंस डे सेलिब्रेशन इन स्कूल, मैं डिफेंस डे की जो तकरीबा स्कूल में मुनक्किद होंगी उसके बारे में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रिदा, यस मी टू, जी मैं भी। वेयर आर यू गोइंग नाउ, अभी तुम कहाँ जा रही हो। नाजिया, आई एम गोइंग टू माई कजन्स हाउस, मैं अपने कज़न के घर जा रही हूँ। टू बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना यानी किसी से कोई चीज़ लेना। हर आर्मी ड्रेस उसका फौजी लिबास, फॉर द स्कूल फंक्शन, स्कूल में होने वाले फंक्शन के लिए, टमोरो जो कि कल हो रहा है। आई एम गोइंग टू माई कज़न हाउस टू बोरो हर आर्मी ड्रेस, मैं अपने कज़न के घर जा रही हूँ ताकि मैं उससे उसका फौजी लिबास ले सकूँ। फॉर द स्कूल फंक्शन टमोरो, जो कि मुझे अपने स्कूल में पहनना है जो कि कल हो रहा है। रिदा, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई होप, मुझे उम्मीद है दैट इट विल बी अ ग्रेट डे, कल एक अजीम दिन होगा फॉर अस हमारे लिए, मुझे उम्मीद है कि कल हमारे लिए एक बहुत अजीम दिन होगा। नाजिया, सी यू एट स्कूल टमोरो, कल तुम्हारे साथ स्कूल में मुलाकात होगी। इसके साथ डायलॉग फिनिश और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है अरेंज अ रोल प्ले टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू लेंड यू अ स्टोरी बुक टू रीड। उन्होंने कहा है कि आपने एक रोल प्ले बनाना है। रोल प्ले का मतलब होता है यानी कि आपने एक छोटा सा कोई भी एक्ट करना है, उसे हम कहते हैं रोल प्ले। और उसमें हमने जो है अपने फ्रेंड से कहना है कि वो हमें अपनी स्टोरी बुक उधार दे दे। लेंड का मतलब होता है उधार देना या वो चीज़ आपको दे दे कुछ टाइम के लिए। Use the expression above in your dialogue, उन्होंने कहा है डायलॉग होना चाहिए यानी कि दो पीपल के आपस में कन्वर्सेशन होनी चाहिए।
तो अगर हम इसमें लिखें तो हम यही जो जिस तरह हमें ऊपर रिदा एंड नाजिया का दिया गया है, हम इसी तरह दो करेक्टर्स जो हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। हम नंबर वन करेक्टर रखेंगे असलम एंड सेकंड रखेंगे नादिर। असलम, अस्सलाम वालेकुम नादिर, हाउ आर यू। उसी तरह जिस तरह सबसे पहले रिदा ने सलाम किया है, वैसे ही जो है नादिर, वैसे ही असलम सबसे पहले सलाम करेगा और उससे पूछेगा कि आप कैसे हैं। नादिर, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। असलम, आई एम फाइन टू, व्हाई हैव यू केम हियर सो अर्ली इन द मॉर्निंग, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग। फिर नादिर उसे कहेगा, यस, यू नो यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट द स्टोरी बुक यू हैव। असलम, यस यस आई रिमेम्बर। नादिर, आई वॉज प्लानिंग टू बाय दिस स्टोरी बुक, कैन यू गिव इट टू मी। असलम, यस, फॉर हाउ मैनी डेज यू वॉन्ट द बुक। नादिर, वुड यू अलाउ मी टू कीप इट फॉर 4 days। असलम, इट्स ओके, यू कैन रिटर्न मी आफ्टर अ वीक। नादिर, थैंक यू सो मच। असलम, यू आर वेलकम। बच्चों, इसमें सिंपल जो है हमने सबसे पहले एक दूसरे को सलाम करना है और उसके बाद हमने कहना है कि आप अपनी बुक मुझे कुछ डेज के लिए स्टोरी बुक दे दें, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। वो कहेगा ओके, यू कैन टेक इट, देन सिंपल थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सिंपल डायलॉग। उससे नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में सबसे पहले क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं, आंसर दीज क्वेश्चंस। इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इज, विच गैलरी टोल्ड अस अबाउट द मार्टर्स। मार्टर्स बेटा किसको कहते हैं? मार्टर्स कहते हैं शोहदा को, यानी कि जो लोग शहीद हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी जान को मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया है, उन्हें हम कहते हैं मार्टर्स। विच गैलरी टोल्ड टोल्ड अस अबाउट मार्टियर्स। द शोहदा कॉर्नर टोल्ड अस अबाउट मार्टियर्स। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट वॉज डिस्प्लेड इन द रीबर्थ ऑफ द नेशन। वहां पर हमें रीबर्थ ऑफ नेशन में हमें क्या डिस्प्ले किया गया था, हमें क्या दिखाया गया? द लाइफ साइज पोर्ट्रेट ऑफ कायदे आजम एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वॉज डिस्प्लेड इन द रीबर्थ ऑफ द नेशन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न बाय विजिटिंग अ म्यूजियम। जब आप एक म्यूजियम को विजिट करते हैं तो आपको क्या सीखने को मिलता है? जब हम म्यूजियम जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है, हमें जो है अपने मुल्क की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हमें डिफरेंट चीज़ें अपनी आंखों के सामने दिखाई देती हैं, उन चीज़ों के बारे में पता चलता है, हम उन चीज़ों को लर्न करते हैं जो कि हमने अभी तक सिर्फ बुक्स में पढ़ी हैं। हमें किंग्स, जनरल्स, प्रिंसेस और बहुत ज़्यादा हीरो के लाइफ के बारे में जानने का मौका मिलता है। वहाँ पर डिफरेंट पेंटिंग्स होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं जिनसे हमारी लर्निंग होती है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन माइंड मैप अबाउट माई फेवरेट पर्सनैलिटी। उन्होंने कहा है कि मेरी फेवरेट शख्सियत के मुतल्लिक माइंड मैप पढ़ें। अब माइंड मैप किसे कहते हैं? माइंड मैपिंग इज अ वे ऑफ थिंकिंग टू क्रिएट गुड आइडियाज। माइंड मैपिंग कहते हैं यानी कि कोई भी अच्छे आइडियाज का, कोई भी अच्छी तख्लीक के बारे में सोचना और उसके बाद उस सोच को क्या करना, वो यूज इट टू पुट टूगेदर आर आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। यानी कि माइंड मैपिंग कहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी अच्छे आइडिया के बारे में सोचना और उस सोच को एक डायग्राम में, एक पिक्चर की फॉर्म में अपनी नोटबुक, अपनी कॉपी, अपनी डायरी में लिख लेना। तो उन्होंने कहा है कि आप ये नीचे देखें, रीजन फॉर फेम। रीजन ऑफ फेम का मतलब होता है मशहूर होने की वजह। फेम कहते हैं मशहूर होने को। लाइफ हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री कहते हैं तारीख हयात को, यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया। कैरियर, कैरियर कहते हैं बच्चे अपनी लाइफ के बाद, यानी कि स्टडी के बाद उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया। रीजन फॉर योर लाइकिंग, कि हमें जो है वो पसंद है, वो हमें पसंद क्यों है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ माइंड मैप अबाउट योर फेवरेट नेशनल हीरो इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा है कि हमने अब अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी, अपनी फेवरेट शख्सियत के मुतल्लिक जो है अपनी नोटबुक में एक मैप बनाना है। अब हम फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि हमारे जो है फेवरेट पर्सनैलिटी वो कायदे आजम है, तो हमने लाइफ मैप में सपोज हम 5 ब्लॉक्स बना लेते हैं। फर्स्ट, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। सेकेंड, बैरिस्टर बाय प्रोफेशन। थर्ड, अचीवमेंट। फोर्थ, पॉलिटिक्स। एंड फिफ्थ वन, माई रीजन फॉर लाइकिंग हिम। तो सिंपल जिस तरह ये ऊपर हमने देखा है कि उन्होंने ब्लॉक्स में बनाया हुआ है, सेम हम इसी तरह ब्लॉक्स में ये 5 लिख लेंगे। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, फिल इन द गिवन गैप। गैप का मतलब क्या होता है बच्चों? ये वर्ड गैप से निकला है। गैप का मतलब होता है यानी किसी चीज़ में होल होना, जगह होना।
गेट समरी यूजिंग द वर्ड बिलो. अब नीचे जो उन्होंने हमें एक समरी दी हुई है ये वाली, उसमें डिफरेंट गैप्स हैं हमारे पास, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको हमने इन वर्ड्स के साथ फिल करना है. इसे रीड कर लेते हैं. पाकिस्तान आर्मी इज द डैश और आर कंट्री. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्राइड. उससे नेक्स्ट है दे आर द डैश ऑफ द नेशन. दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रोटेक्टर्स, PROTECTORS, प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन. दे डैश आर मदरलैंड. अब यहाँ पे हमारे पास आएगा दे गार्ड आवर मदरलैंड, GUARD, गार्ड आवर मदरलैंड. देर आर मैनी ग्रेट हीरोज इन पाकिस्तान आर्मी. मैनी डैश सोल्जर्स हैव सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर दिस कंट्री. अब इस फिल इन द ब्लैंक में हमारे पास आएगा मैनी ब्रेव सोल्जर्स. पाकिस्तान आर्मी इज अमंग द बेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड. अब इस पैसेज में हमने किया क्या है, हमने किया है कि इन जो ब्लैंक्स में वर्ड फिट किए हैं, वन बाय वन हमने पढ़ा, उसकी ट्रांसलेशन देखी और एक एक वर्ड को उधर फिट कर दिया है. नेक्स्ट है हमारे पास रीड द लेसन अगेन. सबक को दोबारा पढ़ें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शंस के साथ जो है हमने नीचे जो ब्लैंक दी गई है उन्हें फिल करना है. फर्स्ट वन इज ताशिफ ब्रॉट हिज डैश अलोंग विद हिम. ताशिफ अपने साथ क्या लेके आया था, ताशिफ अपने साथ अपनी डायरी लेके आया था. द निशान हैदर इज द हाईएस्ट डैश इन पाकिस्तान. निशान हैदर सबसे बड़ा क्या है, निशान हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड. ऑन एंटरिंग द म्यूजियम द चिल्ड्रेन सॉ डैश इंडियन टैंक्स. कितने इंडियन टैंक्स दिखे थे बच्चों को, 4. देर आर डैश गेट सोल्जर फॉर द आर्म फोर्सेज हु रिसीव द निशान हैदर. निशान हैदर कितने सिपाहियों को दिया गया था, 11 सोल्जर्स. इससे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है एनालिटिकल रीडिंग. रीड अबाउट द निशान हैदर होल्डर्स, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर पर्सनल लाइफ एंड अचीवमेंट, नोट डाउन इन्फॉर्मेशन योर नोटबुक. बच्चों ये हमने पीछे ही चैप्टर में इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है कि निशान हैदर किन लोगों को दिया जाता है, और मैंने आपको दो नेम्स भी बताए थे कि वो किन को दिया गया है, तो आपने वही नेम यहाँ पर दोबारा मेंशन कर देने हैं. उससे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी. वोकैबुलरी हम लोग किसे कहते हैं, वोकैबुलरी कहते हैं डिक्शनरी, यानी कि डिफरेंट वर्ड्स के कम्बिनेशन को या डिफरेंट वर्ड के कलेक्शन को वोकैबुलरी कहते हैं. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. यहाँ पे जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें पढ़ें और उनके मानी को भी लिखें. सबसे फर्स्ट वन इज सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुर्बानी देना या कुर्बान हो जाना. टू ले डाउन लाइफ फॉर अ नोबल कॉज. इम्पेशेंट. इम्पेशेंट का मतलब होता है बेसब्र होना, बिल्कुल भी सब्र ना करना, जल्दी करना. रेस्टलेस. मर्टर. मर्टर होता है शहीद हो जाना, यानी कि शोहदा. शहीद जो हो जाते हैं उन लोगों को कहते हैं. अ पर्सन हु सेक्रीफाइज हिज लाइफ फॉर अ नोबल कॉज. स्ट्रगल. स्ट्रगल कहते हैं जद्दोजहद को करना. स्ट्रगल कहते हैं जद्दोजहद करना, यानी कि एक चीज के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना. टू ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग. सैक्रेड. सैक्रेड कहते हैं मुकद्दस को, यानी कि पाक चीज को. टू ट्रीट समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट. कैप्चर. कैप्चर हम लोग कहते हैं पकड़ना या किसी को गिरफ्त में कर लेना. टू टेक कंट्रोल. इससे नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच जब किसे कहते हैं बेटे, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास डिफरेंट होते हैं. जो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, ये सब हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं. उन्होंने कहा है रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस हाउ द पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज. जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें पढ़ें और देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह चेंज होते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है, हमसे देख लेते हैं. सुफिक्स. सुफिक्स क्या होते हैं. उन्होंने कहा है सुफिक्स LY, IUN, ING एक्सेट्रा यूज टू कन्वर्ट वर्ब्स टू नाउन एंड एडजेक्टिव. जब भी हमने किसी वर्ब को, यानी कि फेल को, जो काम हो रहा है उसको किसी नाउन में या उसकी किसी सिफ्त में, खूबी में चेंज करना हो, तो हम उसे सुफिक्स कहते हैं. हम LY, IUN, ING और इस तरह के कुछ और वर्ड्स हैं, कुछ और लेटर्स के कम्बिनेशन हैं जो कि हम ऐड करते हैं, तो वर्ब हमारे पास नाउन या एडजेक्टिव बन जाता है.
जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव. सबसे पहले उन्होंने हमें नाउन दिया है, नाउन है प्लेयर. प्लेयर हमारे पास एक नाउन है, हमने अब इसको काम में चेंज करना है तो वो हो जाएगा प्लेड. अब प्लेयर की खूबी को बयान करना है तो वो हो जाएगा प्लेफुल. सैडनेस निकला है सैड से, सैडनेस मतलब उदासी, सडन उदास हुआ, सैड कहते हैं किसी की सिफत है ये कि वो उदास है. कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का अगर हम वर्ब देखें तो बनेगा कोऑपरेट यानी कि मदद करना, और खूबी बनाए तो कोऑपरेटिव यानी कि वो बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है. इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ईच गिवन वर्ड. अब उन्होंने नीचे जो है हमें दिए गए वर्ड्स हैं, ए नाउन भी दिया हो सकता है, वर्ब एंड एडजेक्टिव, और बाकी जो दो रिमेनिंग है वो हमने लिखने हैं. अब यहाँ पे हमें वर्ब दिया हुआ है एडमायर, अब हमने इसका नाउन लिखना है तो हो जाएगा एडमायरर. एडमायर का मतलब तारीफ करना, और एडमायरर तारीफ करने वाला, और इसका एडजेक्टिव हो जाएगा एडमायरेबल यानी कि तारीफ के काबिल. उसके आगे नाउन दिया हुआ है सिलेक्शन यानी कि इंतखाब करना, इसका वर्ब हो जाएगा सिलेक्ट, एंड इसका एडजेक्टिव हो जाएगा सिलेक्टिव. यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव में दिया गया है ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, तो इसका वर्ब हो जाएगा ब्यूटीफाई यानी कि खूबसूरत बनाना, यानी कि काम हो गया एक, और इसका नाउन हो जाएगा ब्यूटी, खूबसूरती. इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन है हमारे पास है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. अब हमारे पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये होते क्या हैं, यहाँ ब्लॉक में उन्होंने बताया गया सिनोनिम्स आर वर्ड दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स. सिनोनिम ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिनके मीनिंग, जिनके मतलब सेम होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, सिर्फ जो है वर्ड चेंज होगा, मानी उनके सेम होंगे. और एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग. एंटोनिम्स ऐसे वर्ड को कहते हैं जिनका मतलब मुख्तलिफ होता है, वर्ड भी डिफरेंट, मीनिंग भी डिफरेंट. तो हम देख लेते हैं वर्ड, सिनोनिम एंड एंटोनिम. वर्ड है हमारे पास ब्रेव, इसका हमें सिनोनिम भी बताना है, एंटोनिम भी बताना है. ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, करजियस, जुरतमंद, बहादुरी हो गया. और इसका जो एंटोनिम वो होगा कोवर्ट, वॉर. वॉर का मतलब होता है जंग, बैटल. बैटल भी हम जंग को ही कहते हैं यानी कि लड़ाई को. और लड़ाई का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, पीस यानी कि पुरअमन, अमन फैलाना. इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हम लोग कहते हैं जहीन को. ब्राइट यानी कि ब्राइट स्टूडेंट, जहीन तालबे इलम वही सेम. स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब अहमक है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया. उससे नेक्स्ट है विक्टोरियस यानी कि फतह हासिल करना, सक्सेसफुल कामयाब होना, सेम मीनिंग. डिफीटेड, डिफीटेड का मतलब होता है शिकस्त हासिल करना. उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लर्निंग टू स्पेल, रीअरेंज लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स एंड आल्सो लर्न द स्पेलिंग. उन्होंने कहा है कि नीचे जो है कुछ लेटर्स दिए गए हैं उनको तरतीब दें और उनसे एक वर्ड बनाएं. अब हम देख लेते हैं हमारे पास सबसे पहला जो है वो है एम आई एल एस ई. अगर हम इसे चेक करें तो ये हमारे पास बन रहा है स्माइल, एस एम आई एल ई. लेटर्स सेम है, बस हमने उन लेटर्स को आगे पीछे किया है, उनको अरेंज किया है और एक वर्ड बना दिया है स्माइल. नेक्स्ट इज पी एस डबल ई एच सी. अगर हम इसे देखें तो ये बन रहा है स्पीच यानी कि तकरीर करना. नेक्स्ट वन इज एन ई ए आर एल, तो ये बन रहा है लर्न, सीखना, एल ई ए आर एन. नेक्स्ट इज टी ओ एम ई एन एम, ये बन रहा है मोमेंट, एम ओ एम ई एन टी यानी के लम्हा. उससे नेक्स्ट वर्ड है ए आई टी एफ एच, तो ये बन रहा है फेथ, एफ ए आई टी एच यानी के यकीन होना. उससे नेक्स्ट वर्ड है ओ ई आर आई डी पी, ये बन रहा है पीरियड यानी कि मुद्दत हो जाना या अरसा हो जाना. तो हमने इसमें जस्ट जो है लेटर्स को रीअरेंज करके उनको एक मीनिंगफुल वर्ड बना दिया है सबको. इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्रामर, नाउन्स विद नो चेंज. उन्होंने कहा है कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, यानी कि जब हम उन्हें सिंगल से प्लूरल करते हैं तो उनमें चेंज नहीं आता. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोटिस द यूज ऑफ नाउन्स विद एन अनचेंज प्लूरल फॉर्म, यानी कि जब हम उसको प्लूरल करेंगे, उसकी जमा करेंगे तो चेंज नहीं होगा. द शीप आर ग्राजिंग इन द फील्ड. अब यहाँ पे देखें शीप, एस एच डब्ल्यू पी, यहाँ पे कोई एस, कोई ई एस, कोई एडिशन नहीं है, सिंपल एस एच डब्ल्यू पी.
यहाँ पे आएगा भेड़े, द शीप आर ग्राजिंग इन द फील्ड, भेड़े खेत में चर रही हैं। सेकंड सना हैज लॉन्ग हेयर, अगर हम चाहते तो हम यहाँ पे हेयर्स भी लिख सकते थे, एच ई आई आर एस, लेकिन हेयर्स वर्ड नहीं होता, हेयर की प्लूरल भी हेयर ही होती है, एच ए आई आर। आईज आर डियर इन द फॉरेस्ट, डी डब्ल्यू आर डियर, मैंने जंगल में हिरन देखे, यानी कि यहाँ पे डियर प्लूरल है, डियर सिंगल में भी डियर होता है और प्लूरल में भी डियर ही होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज, नाउ यूज द नाउन्स हाईलाइटेड अबव इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। उन्होंने कहा है शीप, हेयर एंड डियर, जो ऊपर नाउन्स हाईलाइट किए हैं आपने, इनसे इन सेंटेंस के अलावा और सेंटेंस बनाने हैं। सबसे फर्स्ट वन है शीप, तो हम शीप का मतलब होता है भेड़े, तो शीप आर ईटिंग ग्रास। सेकेंड वन इज हेयर, सलमा हैज ब्राउन हेयर। थर्ड वन इज डियर, मैनी डियर वर ग्रेजिंग इन दी फॉरेस्ट। उसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स का। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। जिस तरह यहाँ देखने से ही पता चल रहा है, हेल्पिंग, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, वर्ब यानी के काम, तो यानी के वर्ब में जो हेल्प करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। नीचे एग्जाम्पल्स हमारे पास दी हुई हैं, इज आर एम, हैज हैव हैड, डू डज डिड आर हेल्पिंग वर्ब्स। बच्चों इसमें से जो इज आर एम हैज हैव एंड डू डज, ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये प्रेजेंट में यूज होते हैं, इनका मतलब प्रेजेंट में होता है। एंड हैड डिड, ये जो हमारे पास हैं ये पास्ट में यूज होते हैं, यानी कि जब भी हमने पास्ट सेंटेंस बनाना है तो हमने डिड एंड हैड यूज करना है। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, अली इज क्लाइंबिंग द ट्री, तो यहाँ पे इज जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। सोल्जर्स आर फाइटिंग ब्रेवली, आर हैं, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। द बॉयज डिड नॉट फिनिश देयर वर्क, यहाँ पे डिड जो है, डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। आई एम रीडिंग अ बुक, इसमें एम है, आई एम, तो एम जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ताशिफ्स अंकल हैड, यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब है। टोल्ड अस डिफरेंट स्टोरीज अबाउट पाकिस्तानी सोल्जर, जो लास्ट एग्जाम्पल है उसमें है शी हैज बॉट अ न्यू ड्रेस, तो इसमें जो हैज है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द गिवन हेल्पिंग वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंस। उन्होंने कहा है नीचे हमने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स दिए हैं, आपने उन्हें सेंटेंस में यूज करने हैं, उससे हमने डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे फर्स्ट वन इज का मतलब होता है ही इज रीडिंग अ बुक। आर हमेशा यूज होता है जहाँ पे हमने काफी ज्यादा का जिक्र करना हो, वहां पे हम यूज करेंगे आर। आर का मतलब होता है, दे आर प्लेइंग हॉकी। नेक्स्ट वन इज एम, एम यूज होता है बच्चों आई के साथ, यानी कि हूँ, इसका मतलब होता है हूँ। एम, आई एम राइटिंग अ लेटर। उसके बाद हैज, हैज हैव एंड हैड तब यूज होते हैं जब हमें किसी की मलकियत शो करनी हो, हैज हैव प्रेजेंट में और हैड पास्ट में। अब हम हैज को देख लेते हैं, हैज ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। हैव में अगर हम सेंटेंस देखें, दे हैव डन देयर ड्यूटी। Had, he had gone to London. Next one is do, यानी के करना। We always do our work in time. Did, यानी के कर लिया। Did, he did not buy fruit. Next अगर हम देखें तो है preposition of time. Preposition हमारे पास क्या होता है? Preposition हमारे पास कोई भी जो है word जो हमारे पास noun से पहले आता है, हम उसे कहते हैं preposition. Preposition of time, यानी के वक़्त के लिए use होंगे वो। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस टाइम, यानी कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है वक़्त को इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है यानी कि बताना या मुतारफ कराना। तो जो भी प्रेपोजिशन हमारे लिए वक़्त को मुतारफ करेंगी उन्हें हम कहेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। इसमें एग्जाम्पल डेट भी हो सकती है, दिन भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास डेट भी हो सकती है, डेज दिन भी हो सकते हैं, वीक हफ्ता भी हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने अब हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, हम देख लेते हैं कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का यूज़ कैसे करना है। वी हैव लंच एट नून, अब देखें एट हमारे पास नून के साथ यूज़ हो रहा है, यानी कि नाउन के साथ, तो ये हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM, एट सेम, दे गो टू द बीच इन समर, समर हमारे पास नाउन है एंड इन यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। They went for a walk in the morning. In हमारे पास यहाँ preposition of time है। The test is on Wednesday. On यहाँ पे हमारे पास preposition of time है।
वॉट डिड यू डू ऑन ईव लास्ट ईयर. ऑन जो है पर ये भी हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है. इससे नेक्स्ट हमारे पास है डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेगुलर एडजेक्टिव क्या होते हैं. एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया है, एडजेक्टिव कहते हैं किसी भी खूबी को. एंड रेगुलर एडजेक्टिव टेक ई आर एंड ई एस टू मेक कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव. अब हमारे पास कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई हैं. कंपेरेटिव कहते हैं जब भी हमने किसी एक नाउन का कंपैरिजन दूसरे नाउन के साथ करना हो तो हम कहेंगे कंपेरेटिव एडजेक्टिव. एंड सुपरलेटिव कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नाउन. जब भी हमने दो या दो से ज्यादा का कंपेरिजन आपस में करना है तो तब हमने सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाना है. और हमें ये ख्याल रखना है कि हम हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों डिग्रीज को डिस्कस करेंगे सुपरलेटिव में. कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर टू थिंग्स. देखा उन्होंने कहा है कि कंपैरेटिव में हम दो का जो है कंपैरिजन करते हैं, दो नाउन्स का, और बीच में हम लगाते हैं देन. और सुपरलेटिव में टू और मोर थिंग्स का कंपैरिजन करते हैं. तब यहाँ पर उन्होंने वापस एग्जाम्पल दिए. रीड द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. पॉजिटिव मतलब सिंपल वर्ड्स हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. हैवी भारी, हैवियर उससे भारी, यानी कि दो का कंपैरिजन हो गया एंड हैवियर सबसे भारी. लार्ज बड़ा, लार्जर उससे बड़ा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, यानी कि सुपरलेटिव में सब के साथ कंपैरिजन हो रहा है, ज्यादा चीजों के साथ कंपैरिजन हो रहा है. लकी, लकी हम कहते हैं खुशकिस्मत इंसान को. लकियर यानी कि ये शख्स उस शख्स से ज्यादा लकी है. लकीस्ट ये सबसे खुशकिस्मत है. ओल्ड पुराना, ओल्डर उससे पुराना, ओल्डेस्ट सबसे पुराना. सुपरलेटिव में हम आई ई एस टी लगाते हैं एंड कंपेरेटिव में हम लोग ई आर लगाते हैं, आई ई आर. उसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, राइट पी फॉर पॉजिटिव एडजेक्टिव, सी फॉर कंपेरेटिव एंड एस फॉर सुपरलेटिव एडजेक्टिव. उन्होंने कहा है कि नीचे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस दिए गए हैं, उनमें हमने कंपेरेटिव, सुपरलेटिव एंड नॉर्मल जो एडजेक्टिव है उनको मेंशन करना है. बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, तो जो इसमें सब चीज़ों के साथ कंपेरिजन करते हैं हमारे पास क्या होता है, सुपरलेटिव. थीन, थीन का मतलब होता है पतला, तो ये हमारे पास सिंपल किसके साथ कंपेरिजन नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव. स्मॉलर, ई आर लगा है स्मॉलर, तो ये हमारे पास आ जाएगा कंपेरेटिव. ब्राइटर, ब्राइटर दो का कंपेरिजन कंपेरेटिव. सॉफ्टवेयर दो का कंपेरिजन कंपेरेटिव. स्मार्ट, अब ना ये स्मार्टर है या ना ये स्मार्ट टेस्ट है, तो स्मार्ट सिंपल, डार्क सिंपल, पॉजिटिव एडजेक्टिव. ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव. बिजीएस्ट, बहुत ज़्यादा बिजी होना, बहुत ज़्यादा मसरूफ होना, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव. और वाइल्ड, वाइल्ड हमारे पास किसी के साथ कंपेरिजन नहीं है, तो पी यानी के पॉजिटिव एडजेक्टिव. उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हम लोग देख लेते हैं हमें क्या कहा गया है. उन्होंने कहा है मेक सेंटेंसेस विद द गिवन एडजेक्टिव्स. यहाँ पे उन्होंने नीचे एडजेक्टिव दिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि आपने इन एडजेक्टिव्स को सेंटेंस में यूज करना है. सबसे फर्स्ट वन इज लवली यानी कि प्यारी. शी इज अ लवली गर्ल. स्मॉलर यानी कि उससे छोटा. हिज हाउस इज स्मॉलर देन माइन. अब देखें यहाँ पे दो चीजों के दरमियान कंपेरिजन हुआ है. उसका घर मेरे घर से छोटा है, यानी कि मेरे घर का कंपैरिजन दूसरे पर्सन के घर से हुआ है. ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा, सबके साथ कंपैरिजन. इकबाल इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ उर्दू. अब नीचे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा है कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन क्या होता है, यानी कि कैपिटल जो रूल्स हैं कैपिटल लेटर्स के, कैपिटल वर्ड्स के, उनको अप्लाई करना. रीड मी द नेम्स ऑफ हॉलीडे, स्पेशल इवेंट्स एंड ग्रुप स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. उन्होंने कहा है छुट्टियों के दिन या कोई ऐसे इवेंट जो कि स्पेशल हों, इवेंट्स हम लोग कहते हैं तकरीबात को, एंड ग्रुप डिफरेंट ग्रुपों के जो है फर्स्ट लेटर वो हमेशा कैपिटल होंगे, उनको हम बड़ा लिखेंगे. तो हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 14. इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज़ादी का दिन, तो आई एंड डी ये हमारे पास एक इवेंट है, यानी कि इस इवेंट पे हमें छुट्टी होती है, तो आई भी कैपिटल, डी भी कैपिटल. पाकिस्तान का पी इससे कैपिटल है क्योंकि पाकिस्तान कंट्री है. अगस्त 14 अगस्त हमारे पास ए इससे कैपिटल है क्योंकि ये हमारे पास मंथ है, इसलिए पी कैपिटल. पाकिस्तानीज आर ब्रेव पीपल. दे हैड अरेंज्ड अ स्पीच कंपटीशन ऑफ डिफेंस डे. ये भी हमारे पास इवेंट डे है, तो डिफेंस का डी कैपिटल, डे का डी कैपिटल.
उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन टाइटल्स एंड नोटिस द यूज ऑफ कैपिटलाइजेशन। उन्होंने कहा है नीचे आपके पास उन्होंने हमें तीन एग्जांपल्स दिए, उन्होंने कहा है कि कैपिटलाइजेशन यानी कि कैपिटल करने का रूल, इस पे आप लोग अप्लाई करें या इसको देखें। फर्स्ट वन इज इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड फाइव। बच्चों हम लोगों ने देखा है जब भी हम बुक का कवर पेज देखते हैं तो उसमें हमारे पास हर का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। सेकेंड टू लिटल किटन्स, चैप्टर का नेम वो भी कैपिटल आएगा। स्पेशल पर्सन तो एस पी कैपिटल, पी बी कैपिटल। नेक्स्ट है हमारे पास री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन योर नोटबुक। ये हमारे पास एक छोटी सी जो है क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि जो नीचे आपको लाइंस दी गई हैं उन पे आपने कैपिटलाइजेशन का रूल अप्लाई करना है, यानी कि जो वो लेटर हमारे पास कैपिटल होता है उसको कैपिटल लिख देना है। सबसे फर्स्ट है हमारे पास ताशिफ इज रीडिंग अ बुक हाउ टू कीप द अर्थ सेफ। अब सबसे पहले जो है ताशिफ का टी कैपिटल हो जाए क्योंकि ये स्टार्ट में है। ताशिफ इज रीडिंग अ बुक, अब यहाँ पे हमारे पास देखें बच्चों इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग एच को कैपिटल कर लेंगे। हाउ टू कीप द अर्थ सेफ, अर्थ का ई भी कैपिटल हो जाएगा, एस का अर्थ का ई कैपिटल कर दिया है एंड सेफ का एस भी कैपिटल कर दिया है। उससे नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ माई फेवरेट, अब द से स्टार्ट हो रहा है तो टी कैपिटल हो जाएगा। द टाइटल ऑफ माई फेवरेट स्टोरी इज, बच्चों हमने अभी पढ़ा है कि जब भी किसी चीज का टाइटल पढ़ना है तो कैपिटल, ऑनेस्टी का एच कैपिटल हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बी बी कैपिटल एंड पी पी कैपिटल। नेक्स्ट वन इज द डव एंड द आंट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब स्टोरी का नेम है तो बच्चों हमने पढ़ा है कि स्टोरी का नेम हमने कैपिटल कर देना है, द का दी कैपिटल के स्टार्ट हो रहा है। द डव एंड द आंट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसके साथ हमारा कैपिटलाइजेशन वाला जो है पैराग्राफ वो खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट है राइटिंग, लर्निंग टू राइट। उन्होंने कहा है रीड द गिवन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट द निशाने हैदर। निशाने हैदर के बारे में एक पैराग्राफ नीचे दिया गया है, उसको पढ़ें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हम कहते किसे हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हमें किन चीज़ों के बारे में बताता है, पर्टिकुलर सिचुएशन यानी कि सूरत हाल के मतलब, पर्सन किसी इंसान के मतलब, प्लेस किसी जगह के मतलब और थिंग किसी चीज़ के मतलब। कोई भी ऐसा पैराग्राफ जो हमें किसी सूरत हाल के मतलब, किसी शख्स के मतलब, किसी जगह के या किसी चीज़ के बारे में बताए उसमें कहेंगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। और जो ये पैराग्राफ हमें दिया गया है ये है निशाने हैदर के अबाउट। द निशाने हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। द मीनिंग ऑफ निशाने हैदर इज मार्क ऑफ लाइन। बच्चों ये हम लोग जो है लाइंस पहले भी पढ़ चुके हैं। यूजुअली इट इज मेड फ्रॉम गन मेटल, यूजुअली इट इज मेड, ये बना है फ्रॉम गन, गन कहते हैं बंदूक को, मेटल कहते हैं तांबे को, कैप्चर्ड जिस पर कब्जा किया गया हो, फ्रॉम द एनिमी दुश्मनों से। तो ये हमारे पास बंदूक के तांबे से बना है जो कि हमने दुश्मनों से कब्जे में ली हैं। इट इज कम्पोज, इसको बनाया गया है 88% ऑफ कॉपर, कॉपर यानी कि 88% तांबे से इसको बनाया गया है। 10% टिन, टिन बच्चों हम लोग किसे कहते हैं, टिन हम लोग कहते हैं 10% टिन एंड 2% जिंक, जिंक हम लोग किसे कहते हैं, जिंक हम लोग कहते हैं जिस्त को। तो ये 88% तांबे से, 10% टिन से और 2% जिस्त से बनता है। सिंस 1947 से लेकर 11 मैन फ्रॉम द आर्म फोर्स, 11 लोग फ्रॉम द आर्म फोर्स मसले अफवाज से हैव वॉन दिस अवार्ड, यानी कि निशाने हैदर को 11 लोग जीत चुके हैं। इट इज अवार्डेड, ये दिया जाता है टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स फॉर देयर हीरोइक एक्ट्स इन डेंजरस सिचुएशन एंड फॉर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ। जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि निशाने हैदर उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ मुल्क के लिए कुर्बान कर दी हो, उन्हें निशाने हैदर से नवाजा जाता है, उन्हें निशाने हैदर दिया जाता है। नेक्स्ट इज राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द टॉपिक अ जू इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा है कि आपने ए जू के बारे में अपने नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों जू के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, हमें पता है कि जू में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स होते हैं, वो एक छोटा सा क्लोज एरिया होता है जहाँ पे जानवर मिलजुल कर रहते हैं और उन जानवर की जिम्मेदारी किनको दी होती है, डिफरेंट अथॉरिटीज होती हैं जो कि ये चेक करती हैं कि वहाँ पे सारी चीज़ें जू में मैनेज्ड हों,
मैनेज स्टाफ होते हैं उनका, जो कि चीज़ों को देखती हैं, लोग ख्याल रखते हैं कि जानवरों को ठीक से खाना मिले, उनके न्यूट्रिएंट्स मिले, उनको पूरा खाने का उनका ध्यान रखा जाता है, ईडेबल्स दी जाती हैं उनको। जब हम जू में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है, हमें ये फील होता है कि हमने जो भी अभी तक हमने अपनी स्टोरीज में, अपनी बुक्स में या टीवी में जो भी कार्टून देखे हैं, वहाँ हमारे पास रियल में होते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े एनिमल्स होते हैं, जिस तरह ना लाइन होता है, एलिफेंट होता है, इस तरह के और भी एग्जांपल्स हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो कि जू में होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स, दोनों चीज़ें वहाँ पे होती हैं। उससे नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में उन्होंने कहा है, व्हाट वुड यू डू फॉर द ऑनर ऑफ योर कंट्री, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट, रिमेंबर टू यूज पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। उन्होंने कहा है कि आप अपनी कंट्री के ऑनर में क्या कर सकते हैं। ऑनर बेटा कहते हैं इज्जत और एहतराम को। तो हम डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा हमारे एक्ट से कि हम अपनी कंट्री को कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को देखें तो बच्चों, हम लोग डिफरेंट टाइप के स्टेप्स हैं या डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम अपनी मुल्क की डिग्निटी और ऑनर के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसन जो है वो ले सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। हम लोग जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम अपने ड्रेसेस दे सकते हैं। हम लोग डिफरेंट टाइप्स के इंटरनेशनल लेवल पे जो गेम्स होती हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम एजुकेटेड पीपल बने, दूसरों को एजुकेट करें। हम लोग डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। हम हमेशा अपने मुल्क के लिए खड़े रहें, अपनी लाइफ्स को मुल्क के लिए कुर्बान करें। डिफरेंट टाइप्स के हम लोग प्राइज़ जीतें और उन्हें बताएं कि हम लोग अपने मुल्क से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। हम लोग अपने मुल्क से जो है डिफरेंट टाइप, जिस तरह हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा एरोगेंस है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनको ख़त्म करने के लिए डिफरेंट टाइप के इकदाम कर सकते हैं। हम सेमिनार्स कंडक्ट करा सकते हैं बच्चों, एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग डिफरेंट टाइप के स्टेप्स जो हैं, जो मैंने अभी कुछ मेंशन किए, इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अगर हम इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तभी हम एक ऑनरेबल और ग्रेट नेशन बन सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो एंड होता है। बच्चों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।